ये खबर राजधानी भोपाल से है, जहां श्रुति शर्मा मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले की कमान हबीबगंज सीएसपी भूपेंद्र सिंह से लेकर टीटी नगर सीएसपी उमेश तिवारी को सौंप दी गई है। आपको बता दें, श्रुति शर्मा मामले में 11 महीनों में सभी गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, साथ ही 5 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोर्ट में इस मामले को लेकर चालान पेश नहीं हुआ। इस कारण अब इस केस को सीएसपी टीटी नगर के हाथों में दे दिया गया है। पूरे मामले पर डीआईजी इशाद वली ने बताया है कि अभी इस केस से जुड़े कई और तथ्यों पर अच्छी तरह से छानबीन करना बाकी है। इसके लिए अब इसकी जिम्मेदारी उमेश तिवारी के हाथ में दे दी गई। जो परिजन है उनको कुछ बिंदुओं की समीक्षा भी चाहते थे, तो उन बिंदुओं की भी समीक्षा कर लीजिए। बार बार इस तरह का आवेदन जो है वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हो रहा था। इसी तात्पर्य में जो है सीएसपी टीटी नगर के पास समीक्षात्मक प्रतिवेदन नीचे भेजा गया है, बट उनकी तलाश जो है लगातार चल रही है। जैसे गिरफ्तारी हो जाएगी, हम लोग जो है आगे की कार्रवाई क्यों करेंगे। तो जिला नाम घोषणा कर रहा है, चूंकि 11 महीने हो चुके हैं, ऑलरेडी नाम है कई जगह दबिश दी जा चुकी है। बैतूल में, रीवा में, जबलपुर में कई जगह दबिश दी जा चुकी है, लगातार उसका प्रोसेस चल भी रहा है। उसी दौरान जो है उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया।